सड़क की यातायात व्यवस्था सुधारने की कवायद, शासन के निर्देश पर एडीजी ट्रैफिक अनुपमा कुलश्रेष्ठ पहुंची अयोध्या। अयोध्या दर्शन पूजन के बाद एडीजी ट्रैफिक अनुपमा कुलश्रेष्ठ का बयान। अयोध्या में बढ़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए बन रहा है अयोध्या का ट्रैफिक प्लान। अयोध्या प्राप्त कर रही है इंटरनेशनल सिटी का औहदा। अयोध्या में हो रहा भव्य राम मंदिर का निर्माण, 2024 में राम मंदिर का लोकार्पण प्रस्तावित। अयोध्या एक इंटरनेशनल नगरी बन रही है तो उसके अनुकूल ट्रैफिक व्यवस्था का भी बन रहा प्लान। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा ट्रैफिक प्लान। अयोध्या में प्रस्तावित भारी रिंग रोड को लेकर भी बेहतर होगी ट्रैफिक व्यवस्था। श्रद्धालुओं के लिए होगी बेहतर पार्किंग व्यवस्था। दिन प्रतिदिन अयोध्या में बढ़ रही है श्रद्धालुओं की संख्या। अयोध्या में उपलब्ध होंगे आधुनिक ट्रैफिक उपकरण। राम मंदिर का निर्माण देखिए, मेरी विजिट यहाँ पे मुख्य रूप से ट्रैफिक व्यवस्था को देखने के लिए। अयोध्या एक इंटरनेशनल सिटी का ओहदा प्राप्त कर रही है और यहाँ पे एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो 2024 में इसका इनॉग्रेशन भी शेड्यूल्ड है। तो एक चूँकि अयोध्या एक इंटरनेशनल नगरी बन रही है तो इसमें ट्रैफिक व्यवस्था भी उसके अनुकूल होने की आवश्यकता है। तो उसी सब बिंदुओं को देखना, उनकी समीक्षा करना और किस प्रकार से हम यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू कर सकते हैं और किस तरह से इसको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बना सकते हैं, किस प्रकार की प्लानिंग होगी, किस तरह का व्यवस्थापन होगा, किस तरह का बाहरी रिंग रोड बनेगी, किस तरह की पार्किंग होगी, श्रद्धालुओं को जिस तरह से पूरी सुविधा रहे और किसी प्रकार की उनको परेशानी ना उठानी पड़े, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ने वाली है, दिन पर दिन बढ़ ही रही है। तो ये सारी चीज़ों की समीक्षा, किस तरह से हम जन शक्ति की वृद्धि कर सकते हैं और इनको और रोबस्ट कर सकते हैं जो ट्रैफिक इक्विपमेंट्स प्रदान करके, तो ये सारी बिंदुओं पर समीक्षा हो रही थी। और इसमें डीआईजी एसएसपी जो फैजाबाद के हैं उन्होंने काफ़ी काम किया और पूरे प्रशासन ने इसमें काफ़ी अच्छी प्लानिंग की है, उसी को और सुदृढ़ करने के लिए और उसको एक समीक्षात्मक रूप से देखने के लिए मैं यहाँ पर आई थी और उसकी अच्छी समीक्षा हुई है। और शासन की तरफ से और हम ट्रैफिक डायरेक्टरेट की तरफ से हम जितना भी इनको और मजबूत कर सकते हैं उसको करने की प्रक्रिया पूरी जारी है और ज़रूर करेंगे। दूसरी चीज़ जो हम देखना चाह रहे थे, यहाँ पर जो महिला बीट कांस्टेबल का अभियान चल रहा है उसकी भी समीक्षा करनी थी कि किस तरह से महिला बीट कांस्टेबल जा रही हैं। उनसे मैंने खुद बात की और उनसे पूछा कि किस तरह की समस्याएँ महिलाएँ यहाँ पर फेस कर रही हैं और उन समस्याओं को निराकरण करने के लिए हमारी बीट कांस्टेबल्स की क्या भूमिका है, किस तरह से वो कर रहे हैं। मुझे इस बात की बेहद खुशी कि हमारी बीट कांस्टेबल्स यहाँ पर काफ़ी गांव जाकर उन्होंने चौपाल लगाई और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, हेल्पलाइन नंबर्स हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने महिलाओं से खुलकर बात की और उनकी समस्याएँ जानने की कोशिश की और उन समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई की। तो यही दो मुख्य मुद्दे थे। और अयोध्या शहर में काफ़ी व्यवस्था अच्छी होती जा रही है और यहाँ पे सभी सेवा भाव से काम कर रहे हैं और उसी सेवा भाव से हमको लगातार काम करते रहना, यही उद्देश्य था। जी, उसी चीज़ के लिए बता रही हूँ कि मैं तो मुख्य रूप से ट्रैफिक का ही मुद्दा देख रही हूँ और महिला जो कल्याण है उसको भी देख रहे हैं हम लोग कि किस तरह से महिलाएं हमारी सुरक्षित रहें। तो ये चीज़ें ये हम सभी मतलब शासन इसमें संज्ञानित है कि इस तरह का जो अयोध्या इंटरनेशनल नगरी बन जा रही है, बनती चली जा रही है, तो उसमें क्या क्या हमको व्यवस्थापन में आवश्यकताएं हैं, अर्बन डेवलपमेंट में क्या क्या आवश्यकताएं हैं, शासन इस पर संज्ञानित है और इस पर वे सभी विभाग मिलकर एक मल्टी सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन के रूप में सभी विभाग काम कर रहे हैं। तो बाकी विभागों पर तो मैं टीका टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ, पर इतना जरूर कह सकती हूँ कि शासन की मंशा और शासन की पूरी शक्ति अयोध्या में एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट और बहुत ही कुशल व्यवस्था देने का प्रयास है और वो हम सभी सेक्टर्स और सभी डिपार्टमेंट्स मिलकर कर रहे हैं उसको पूरा।
जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर ओटी इमरजेंसी आईसीयू पीआईसीयू एनआईसीयू सभी प्रकार की सिटी स्कैन एक्सरे अल्ट्रासाउंड अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब प्राइवेट एवं जनरल वार्ड डीलक्स रूम महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा आंखों का ऑपरेशन दांतों का उपचार सभी प्रकार के ऑपरेशन उचित दर पर दवाइयाँ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।